हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी आज हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट के एल्कोलॉइड इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिक नाइट्रोजिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन हैविंग मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंटरनली आर कॉल्ड अब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो बेसिक होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है जो प्लांट ओरिजिन से मिलता है और अगर हम इंटरनली एडमिनिस्टर करें तो एक मार्क मार्क मतलब क्या एक विजिबल फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करता है तो ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एल्कोलॉइड्स एल्कोलॉइड जो होते हैं वो बेसिक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं और विजिबल फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं अगर हम इंटरनली एडमिनिस्टर करें तो बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है टेनिस जो होते हैं वो होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड और यहाँ पे वो केपेबल होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होने में उसके बाद ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अगर एंजाइम या एसिड के साथ में जिसका हाइड्रोलिस हो जाए तो वो शुगर मोइटीज़ और नॉन शुगर मोइटीज़ हील्ड करते हैं तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे फैट्स वैक्सीस फिक्स्ड ऑयल्स एट्सट्रा तो ये जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दैट इज़ एल्फोल्स

अल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करना है तो प्रिसिपिटेशन मेथड की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है मतलब कौन सा रिएजेंट वहाँ पे यूज होता है प्रिसिपिटेशन मेथड के लिए तो यहाँ पे जो है मेयर्स रिएजेंट भी यूज होता है ड्रैगन रॉप रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं और वैगनास और हेजर्स रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव ये सारे रिएजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉय्स के लिए किस मेथड में प्रिसिपिटेशन मेथड में और अगर ये सारी जो रिएजेंट्स का डिस्क्रिप्शन है ये सारी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में टॉपिक वाइज वहाँ पे कोर्सेज में अवेलेबल है और इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उदित फार्मसी एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मिल जाएगा आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेयर्स रिएजन गिव्स यहाँ पे पूछा गया है कि मेयर्स रिएजन जो है वो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट देता है तो मेयर्स रिएजन देता है क्रीम और पेल येलो प्रेसिपिटेट ओके तो मेयर्स रिएजन जो होता है उसका कंपोजिशन भी पूछा जा सकता है तो उसका कंपोजिशन होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन तो ये ये है इसका कंपोजिशन uh, ये जो है मेयर्स रिएजेंट का कंपोजिशन होता है और वो कौन सा कलर देता है क्रीम और पेल येल्लो तो ये भी जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मेयर्स रिएजेंट कम्पोज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन नेक्स्ट इज ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट जो है इसका कंपोजिशन यहां पे पूछा गया है तो ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट जो है पोटेशियम बिस्मत आयोडाइड सोल्यूशन होता है पोटेशियम बिस्मत आयोडाइड सोल्यूशन तो ये जो है ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट देता है ये देता है ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर और प्रेसिपिटेट ओके ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर और प्रेसिपिटेट तो दोनों भी जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट देता है और कंपोजिशन क्या हो सकता है नेक्स्ट इज वैगनर्स रिएजेंट इज वैगनर्स रिएजेंट का कंपोजिशन यहाँ पे पूछा गया है वैगनर्स okay? तो रिएजेंट के द्वारा अगेन ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर और प्रेसिपिटेट जो जो हमने रैगन रॉक्स रिएजेंट में देखा वही ब्राउन और रेडिश ब्राउन Precipitate. The next is Hazers Reagent. Hazers Reagent जो है, इसका composition यहाँ पे पूछा गया है. तो Hazers Reagent होता है saturated solution of picric acid. Okay? Saturated solution of picric acid ये होता है Hazers reagent, reagent का composition. और ये कौनसा color produce करता है? ये देता है yellow color का precipitate. Yellow precipitate. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कोलॉइड्स आर अब यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कौन से है एल्कोलॉइड्स के तो एल्कोलॉय्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और लीवो रोटेटरी होते हैं ओके और इनसॉल्यूबल और स्पैरिंगली सोल्यूबल like, uh, इन वाटर और सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल ईथर क्लोरोफॉर्म इनमें ज़्यादा फास्टली वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में इनसोल्यूबल या फिर बहुत कम सोल्यूबल होते हैं ऑप्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स ये सिंथेटिक सोर्सेस से भी हम हमें एल्कोलॉइड्स मिल सकते हैं ओके okay? तो जैसे एग्जाम्पल है हीरोइन होमोट्रोपिन ये जो है ये अल्कोलॉयड हमें सिंथेटिक uh, सोर्सेज से मिल सकते हैं होमोट्रोपिन ये जो है ये अल्कोलॉइड सिंथेटिक सोर्सेज से हमें ऑप्टेन होते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी ये सारे जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्कोलॉइड्स के नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ प्यूराइन एल्कोलॉइड यहाँ पे पूछा गया है प्यूराइन एल्कोलॉइड जो है वो उसका सोर्स क्या है तो उसका सोर्स है टी और कॉफी तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड जो टी और कॉफी होता है उनमें प्यूराइन अल्कोलाइड्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके है कैफीन एंड एंड्रोमिन ये हुए इसके एग्जाम्पल्स कैफीन एंड थियोग्रोमिन तो प्यूराइन अल्कोलाइड्स जो है उसके सोर्सेस होते हैं टी और कॉफी और एग्जाम्पल है कैफीन एंड थियोग्रोमिन

अगर ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच